Hello everyone. Today we will see how to divide a web page row wise and column wise. So let's start with today's session. अभी ये जो पेज है आप देख रहे हो, ये नोटपैड का पेज है, इसमें मैंने कोड लिखा हुआ है. तो ये कोड का आउटपुट पहले हम लोग चेक करते हैं और बाद में फिर मैं बताऊंगा इस पेज में क्या है. तो इस पेज को मैंने सेव किया है frame_a.html से. तो ये पेज मैं ओपन करता हूँ frame_a से. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रेम ए लिखा हुआ है और यहाँ पे येलो बैकग्राउंड आ गया है. तो अगर हम लोग इसको देखे तो यहाँ पे क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया है, खाली जस्ट हेडिंग में फ्रेम ए डाला है, उसके वजह से वहां पे फ्रेम ए लिखा हुआ आ रहा है. एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर bg कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैश विथ समथिंग लिखा हुआ है. ये क्या है, तो कलर का कोड है. अभी जो कलर का कोड होता है ये कहाँ से मिलता है हमें, तो यहाँ पे आपको गूगल में जाके html कलर कोड डालना है और वो html कलर कोड से आपको टाइप करने के बाद आप कोई भी एक इसमें से चूज कर सकते हो, उसके अंदर आपको कलर कॉम्बिनेशंस दिख जाएंगे. तो वो कलर कॉम्बिनेशंस आपने लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अभी FF F933 यहाँ पे क्लिक किया है तो ये कोड दिख रहा है मुझे FF F933. तो वो जो है FF F933 वो यहाँ पे मुझे डालना है. इसी वजह से आप दूसरा कॉम्बिनेशंस भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3388 FFF, तो ये कलर जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये शो करेगा. यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा कॉम्बिनेशन कलर का शो करता है. वो जरूरी नहीं है कि आपने यही कोड डालना है, आप डायरेक्टली कलर का नाम भी डाल सकते हो हैश हटा के, लाइक रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी. बट होता क्या है कि अगर आप वैसा डालते हो तो आपको स्पेसिफिक कलर मिलता है और इस वजह से आप कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर ले सकते हो और उसमें खाली गूगल में जाके आपको कलर सेलेक्ट करना, उसका कोड ऑलरेडी अवेलेबल है उसके अंदर. तो ऐसा करने पे जब हम इसको HTML पेज ओपन करते हैं तो HTML पेज ऐसा आता है, मतलब फ्रेम ए और उसमें बैकग्राउंड कलर में येलो कलर का बैकग्राउंड आता है. अभी हमें क्या करना है, तो ये कोड जो है दूसरा वाला हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं. तो दूसरा कोड जो है वो क्या है कि एक विंडो जो है उसको हम लोग रो वाइज कैसे डिवाइड कर सकते हैं. तो इस फाइल को पहले मैं इस कोड के फाइल को मैं रन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा हमें. तो इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट इसको सेव किया मैंने 7th.html से. तो मैं उस पेज को ओपन करता हूँ 7th.html को. एंड ये आप विंडो देख सकते हो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है. तो कैसे हुआ है वो हम लोग चेक करेंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, HTML है और HTML से इसको क्लोज किया हुआ है. अभी फ्रेम सेट है रोज 25% 50% 25%. तो ये जो कोड है हमारा दैट इज रो फ्रेम सेट रोज 25% 50% 25%. तो ये क्या करेगा, इस विंडो को जो हमारा HTML का पेज है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेगा. जो पहला पार्ट होगा वो 25% ऑफ होल विंडो रहेगा, जो सेकंड पार्ट रहेगा फ्रेम बी जो है वो 50% ऑफ होल विंडो रहेगा, एंड जो थर्ड पार्ट रहेगा वो 25% ऑफ तीनों विंडो का रहने वाला है, पूरा विंडो का. वो थर्ड पार्ट जो होगा 25% ऑफ होल विंडो रहने वाला है. अभी इसके अंदर हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा रहने वाला है. तो जैसे फ्रेम ए है तो फ्रेम src इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर frame_a.html. तो ये क्या करेगा, जो हमारा frame_a.html पेज है वहां से ये यहाँ पे इंसर्ट करेगा. तो हमारा frame_a.html अगर हम लोग देखे तो ये हमारा पेज था, तो वो येलो बैकग्राउंड था एंड उसको नाम जो था फ्रेम ए था. तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे ही किया, फ्रेम ए और येलो बैकग्राउंड करके दिया हुआ है. अभी वैसे ही इसके अंदर दूसरा जो है frame src frame_b.html है, मतलब जो सेकंड रहेगा हमारा 50% वाला जो पोर्शन है वो फ्रेम बी रहेगा. तो फ्रेम बी को मैं ओपन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली वो. तो फ्रेम बी को अगर मैंने ओपन किया
तो ये देखिए इसमें फ्रेम बी लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड कलर इस टाइप से है, तो वही वो यहाँ पे शो कर रहा है सेकंड बैकग्राउंड। इसी वजह से हमारा फ्रेम सी भी होएगा। फ्रेम सी जो होगा फ्रेम एस आर सी इज इक्वल टू फ्रेम अंडरस्कोर सी डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे थर्ड जो पार्ट है वो फ्रेम सी का जो कलर है वो आ गया है। फ्रेम बी का अगर हम लोग कोड देखें तो फ्रेम बी का कोड जो है वो भी फ्रेम ए जैसा ही है, उसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट फ्रेम बी है ये, तो इसका कोड भी कुछ नहीं है। कलर कोड खाली हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है बीजे कलर कोड इज इक्वल टू करके बाद में हेडिंग में फ्रेम बी डालना है, तो वो इस वजह से वो ये कलर आ जाता है वो, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाद में उसको इस विंडो में कॉल करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कोड बताया, तो ये कोड हमें डालना पड़ेगा फ्रेम एस आर सी इज इक्वल टू फ्रेम अंडरस्कोर बी डॉट एच टी एम एल। इस तरीके से फ्रेम सी को कॉल कर सकते हैं। आप चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पांच पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डिपेंड। सो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमें देखना है वो ये है कि अगर इसे कॉलम वाइज अगर हमें डिवाइड करना है तो वो हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज डिवाइड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेम एक फाइल ओपन करनी है, जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपन एड है, तो यहाँ पे क्या करना है, रोज की जगह पे कॉल्स डालना है, कॉल्स इंडिकेट कॉलम। और मैंने क्या करना है, कॉलम वाइज विंडो को डिवाइड करना है दो पार्ट में 50% 50%, और उसके अंदर क्या इंसर्ट करना है वो फ्रेम ए के अंदर जो है वो फर्स्ट विंडो में आएगा, फ्रेम बी के अंदर जो है वो सेकेंड विंडो में आएगा। पहले मैं इस फाइल को रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये नाम क्या है इसका, एड करके है, तो एड करके जो है वो यहाँ पे, इसको मैंने अगर ओपन किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, पहला फ्रेम ए है दूसरा जो है फ्रेम बी है। अभी फ्रेम ए का जो कोड रहेगा वो सेम रहेगा जो कि पहले था हमारा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम फ्रेम ए का कोड देखें तो वो ऐसा का ऐसा ही है। अगर इसको मैं ओपन करूँ फ्रेम ए का कोड तो वो यहाँ पे सेम ही रहने वाला है जैसे कि पहले था वो। सेम है, खाली उसका जो विंडो का, तो ये फ्रेम ए था इसके थ्रू मिल रहा था, खाली हमने उसको क्या किया है, जो हमारा मेन पेज है जिसके वजह से हमें ये मिल रहा है वहां पे हमें उसका इंडिकेट करना पड़ेगा फ्रेम अंडरस्कोर ए डॉट एच टी एम एल, फ्रेम अंडरस्कोर बी डॉट एच टी एम एल, और कॉल्स रोज की जगह पे कॉल्स डालना है, इतना ही है। फ्रेम सेट हमारा टैग है उसको क्लोज करना पड़ेगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। इस वजह से आप तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे फिर एस आर सी फ्रेम एस आर सी इज इक्वल टू फ्रेम अंडरस्कोर सी डॉट एच टी एम एल। मेक श्योर दैट ये जो फाइल है फ्रेम अंडरस्कोर ए डॉट एच टी एम एल वो उसी फोल्डर में होना चाहिए जिस फोल्डर में आपका एट डॉट एच टी एम एल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है उसमें एट फाइल जो है, एट फाइल ये रही एंड फ्रेम अंडरस्कोर ए जो है वो यहाँ पे, एक ही फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स हैं हमारी। तो आज का जो हमारा था कि रोज एंड विंडो, रोज एंड कॉलम में कैसे हम लोग वेब पेज को डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में था। अभी जिसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ ये है कि हमें जो कोड लिखते हैं हम लोग एचटीएमएल का वो नोटपैड में लिखते हैं, तो नोटपैड का एक दूसरा वर्जन भी आता है जिसको नोटपैड प्लस प्लस बोलते हैं। मैं जो अभी ये कोडिंग कर रहा हूँ वो नोटपैड प्लस प्लस में कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है कि नोटपैड प्लस प्लस जब आप डाउनलोड करोगे तो सिंपल है, उसका ज्यादा मेमोरी भी नहीं है उसकी, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। और डाउनलोड करने के बाद जब आप लिखते हो उसका एडवांटेज ये रहता है कि जैसे ही आप उसको सेव करते हो तो तुरंत ही उसमें कलर्स आ जाते हैं, तो इससे समझ में आ जाता है आपको कि हमारा कोड कौन सा है, तो वो दिखता है। सेकेंड थिंग ऐसा होता है कि आप जब कुछ टाइप करना चाहते हो तो वहां पे वो उसका आपको शो करता है वो कि क्या, तो आप वहां सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये एडवांटेज आपको वहां पे रहता है। थैंक यू।